गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भारत का पहला पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन तैयार हो गया है। शुक्रवार 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। रेलवे स्टेशन में कई विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, जिसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर बना 5-स्टार होटल आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा यहां पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। गांधीनगर रेलवे स्टेशन देश का पहला पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है। यहां अत्याधुनिक तकनीकी, एयरपोर्ट जैसा फील, लग्जरी होटल, थीम वेस्ट लाइटिंग और सेपरेट बेबी फीडिंग रूम समेत तमाम सुविधाएं हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार शाम को इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 2017 में गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास GARUD नामक एक ज्वाइंट वेंचर के गठन के साथ शुरू हुआ था। गांधीनगर स्टेशन के पुनर्विकास के लिए गुजरात सरकार और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम यानी कि IRSDC के साथ गांधीनगर रेलवे और शहरी विकास मतलब GARUD कंपनी के एक ज्वाइंट वेंचर SPV का गठन किया गया था। गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 71.50 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक एयरपोर्ट के जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। इसके अलावा LED वॉल डिस्प्ले लाउंज के साथ एक आर्ट गैलरी, एक बेबी फीडिंग रूम, एक सेंट्रलाइज्ड AC वेटिंग हॉल, विशाल टिकट सुविधा के साथ डबल हाइट प्रवेश लॉबी है। ये स्टेशन दिव्यांगों के लिए भी काफी अनुकूल है। वर्तमान में यहाँ 3 प्लेटफॉर्म हैं और आगे 2 बढ़ाए जाएंगे। स्टेशन में एक सेंट्रलाइज्ड AC मल्टीपर्पज वेटिंग रूम है, जिसमें 40 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस जगह को प्रदर्शनियों, सोशल एक्टिविटी जैसी कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किराए पर भी लिया जा सकता है। जब ट्रेन की आवाजाही नहीं होती है, इससे रेलवे को कुछ पैसा भी मिल सकता है। प्लेटफॉर्म पर वेटिंग एरिया में करीब 500 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्लेटफॉर्म समेत पूरे स्टेशन पर फायर हाइड्रेंट सिस्टम और एक्सटिंग्यूशर की व्यवस्था की गई है। अराइवल और डिपार्चर एरिया और सबवे आग का पता लगाने और आग बुझाने वाले यंत्रों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में सबसे रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन करने के अलावा स्टेशन से 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें से एक गांधीनगर राजधानी से वाराणसी के बीच चलेगी और एक मेमू ट्रेन है। पुनर्विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के अलावा भारतीय रेलवे ने गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक के ऊपर 5-स्टार होटल बनाकर सबको चौंका दिया है। ये रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भारतीय रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि इस लग्जरी होटल में 318 कमरे होंगे और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसे ऑपरेट किया जाएगा। ये होटल 7400 वर्ग मीटर में फैला है और इसे 790 करोड़ की लागत से बनाया गया है। रेलवे के मुताबिक गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर बदलती थीम पर आधारित इस लाइटिंग के साथ बिल्डिंग का बाहरी रूप बड़ा ही खूबसूरत नजर आता है। रेलवे की एक अधिकारी के मुताबिक गुजरात गांधीनगर रेलवे स्टेशन के अलावा भोपाल के हबीबगंज और बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया के स्टेशन का नाम अंतिम चरणों में है। जल्द ही दोनों स्टेशन भी बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के बिजवासन और सफदरगंज स्टेशन, लखनऊ स्थित गोमती नगर और धार्मिक नगरी अयोध्या रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का काम भी जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।